हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 3। एज वी ऑल नो, बिग बॉस OTT सीजन 3 का किताब सना मकबूल अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ, सना मकबूल और उनके अपोजिट में जो फर्स्ट रनर अप थे, द वन एंड ओनली नैज़ी, बट अल्टीमेटली ये किताब नाम हुआ है सना मकबूल का। अब आप तो जानते हैं कि अल्पेश यादव के काफी हद तक ज्यादा चहेते दोस्त यानी कि लोकेश कटारिया शो में एज अ कंटेस्टेंट पहुंचे थे। बहुत ज्यादा टेंट्रम्स क्रिएट हुए और इनके और विशाल की दोस्ती की तो सब मिसाल दे थे, बट इन्होंने अपने दोस्त को ही चीजों में फंसा डाला और साथ ही साथ बेचारे विशाल को एक चाटा भी खाना पड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, जहां पर ये चीज जेन्युइन नहीं था। लोकेश कटारिया हो सकता है इस शो को जीत सकते थे, बट उनका परफॉर्मेंस शायद कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा और डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। लोकेश कटारिया और साथ ही साथ अरमान मलिक के दोनों ही घर से एक साथ बेघर हो गए विद इन डबल एलिमिनेशन। सो गाइस, अरमान मलिक तो जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर कोई हकदार है तो वो सना मकबूल थी, और अगर सना मकबूल नहीं तो विशाल पांडे, लोकेश कटारिया तो दूर दूर तक नहीं। आप मेरे बातों से कितना हद तक ज्यादा सहमत है, कमेंट डाउन करके राय जरूर शेयर करिए, और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अली टाटा, बाय बाय।